डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की प्रदेश सरकार के फार्मा क्षेत्र के सलाहकार और भारत के पूर्व ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर जयंत सिंह जी, कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, कुलपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर एके सिंह जी, आज के इस समारोह में महायोगी गोरख सिंह जी, कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, कुलपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर एके सिंह जी, आज के इस समारोह में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग से प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय कार्य समिति से जुड़े हुए के हमारे पदाधिकारी प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, डॉक्टर सी एम सिन्हा जी, श्री प्रमथ नाथ मिश्र जी, श्री रामजन्म सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए पाठ्यक्रम से सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। एक वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए जिस सुगमता सहजता के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण को एक नई गति दी है, वह अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। हम सब जानते हैं ठीक एक वर्ष पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था। उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के दृश्य से कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे ये एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलतापूर्वक किया था। और ठीक एक वर्ष के बाद मैं वही सोच रहा था कि पिछले एक महीने से लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, विश्वविद्यालय एक महीने पहले अपने स्थापना दिवस को मनाता तो इतनी अच्छी बारिश एक महीने ही यहां पर हो गई होती। रात्रि से ही बारिश है,